आज तारीख है 30 और हम लोग जा रहे हैं आज पुणे से शिरडी की ओर। टुडे इज सैटरडे तो वीकेंड है, तो सोचा क्यों ना हम शिरडी के आज दर्शन करें साईं बाबा के। तो ये हमारी किया सोनेट की दूसरी लॉन्ग ड्राइव है जो कि डबल हो गई है। पहले हम लोनावला गए थे जो कि करीब 35 to 40 किलोमीटर्स था, बट अब जो है हम लोग का हो चुका है 180 किलोमीटर। और इस बार जीजा जी पूरा स्ट्रेच अकेले कर रहे हैं। हम लोग 6:15 बजे निकले थे और इस समय बज रहे हैं 7। उस समय अंधेरा तो मैंने शूट नहीं किया, बट इस समय 7 बज चुके हैं और काफ़ी करीब हम लोगों ने 50 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर कर लिया है। हाईवे है बट काफ़ी बिजी हाईवे है, स्पीड 60 के ऊपर जा नहीं पा रही है, और सो आराम आराम चल रहे हैं। टेम्परेचर था वो 16 डिग्री सेल्सियस नहीं था, वो था 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आते ही 15 डिग्री का 16 डिग्री पे स्विच हो रहा है टेम्परेचर। पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। जो ये रास्ता है ये पहाड़ों पे है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, अंधे मोड़ हैं, सो हम लोग बहुत आराम आराम चला रहे हैं। यहाँ तो जाम लग गया है पता नहीं क्यों, पूरा जाम लगा हुआ है पता नहीं क्यों लगा हुआ है, पता चल जाएगा जब निकल जाएंगे। जी जी 100 किलोमीटर होने वाला है। होने वाला है क्या? नहीं अभी हम लोग को 134 किलोमीटर बचा हुआ, 2.5 घंटे लगेंगे ईटी है, और करीब 10:15 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। जो जाम लगा हुआ है इसके चक्कर में लगा हुआ है, ये कोई मशीन टाइप का ट्रक है कुछ करता है। यहाँ से रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, अब हम लोग इजीली 70-80 की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, और पहले की रोड्स तो बहुत ही बेकार थी यार। थू अभी रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक ले रुके हैं। जैसे 7:30 बज रहे हैं और कभी करीब 120 किलोमीटर अभी शिरडी यहाँ से बचा हुआ है। ये हमारी किया सोनेट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, अभी जिस पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने वॉशरूम ब्रेक लिया था, लिटरली इतना गंदा जो यूरिनल था वहाँ से सिर्फ यूरिन बह रही थी इतना गंदा। और जहाँ पे मतलब कमोड होता है वो एरिया में तो हो क्या बताए भाई, मास्क के अंदर एकदम छेद करके नाक के बाल जला दिए साले भाई साहब बहुत गंदा था। पर अब निकल चुके हैं और 2:14 में हम लोग शिरडी में एंटर हो जाएंगे। 119 किलोमीटर बचे, 10 बजे तक हम लोग शायद पहुँच जाए, बट अभी हम लोग को ना ब्रेकफास्ट के लिए एक ब्रेक लेना और पड़ेगा, तो कहीं अच्छे से व्यू में लगाते हैं। ए बहन जी कहाँ हो, इधर आओ थोड़ा सा कैमरे पे आओ, ये क्या लगा रखा है तुमने? भाई 4 घंटे की ट्रिप में तुम सो भी रही हो तो 4 बजे से उठे भी तो हैं हम लोग। वन मोर थिंग, इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज है कुक विद खुशबू BU है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है और करीब 5,000 के करीब इनके फॉलोअर्स होने वाले हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा, बट अगर नहीं किया तो जाके एक बार जरूर चेक करिए इनका इंस्टाग्राम का पेज। 4 बजे उठ के खाना नाश्ता बनाया। ये हम लोग का तीसरा टोल है और यहाँ पे लोग बिना टोल दिए आगे बढ़े जा रहे हैं, देखते हैं क्या हम लोग को टोल दिए। टोल वाले कर्मचारी आए नहीं अभी तक, आपको अपडेट दे देता हूँ। 94 किलोमीटर बचे हैं, 1.45 आर, और थोड़ा आगे देखते हैं। ओके
तो अब ब्रेकफास्ट के रुके हैं और दीदी को लेना है चिप्स, क्योंकि वो कह रही है मैं जो घर से बन के आया वो नहीं खाऊंगी, तो हम लोग उनके लिए चिप्स लेने जा रहे हैं। और पार्किंग दिखाते हैं उन्होंने कितनी खतरनाक करी है। ये देखिए, तो 100 किलोमीटर हो गए आपके। कितने हो गए? 100 किलोमीटर। 100 हो गए क्या? अभी 20 किलोमीटर शहर में चलाया था। हाँ। और 80 से ज्यादा यहाँ चला चुके। यहाँ मजा आता है काफी चलाने में। हाँ, इधर काफी मजा आता है। ये हाईवे पे ही एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है गाड़ी चलाने का। दो, एक ट्रक एक बस, बीच में हम, इधर पहाड़ बीच में हम। टाइम नहीं बनी कुछ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू देखिए आप, व्यू बस व्यू देखते रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक ऐसे ही देखते रहिए। बंद होने लगे हैं और व्यू देखिए आप, व्यू ब्यूटीफुल। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं। हाँ, मतलब कह सकते हैं, है नहीं बट कह सकते हैं। सी व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ कहीं गाड़ी लगाने वाला, फोटो खिंचाने वाला लगानी। ये कोई एक्सप्रेसवे है, नाम याद नहीं मुझे, और याद क्या नहीं देखा था मैंने एक्सप्रेसवे का नाम, बट वो अजीब सा था, कुछ मराठी में नाम था तो समझ में नहीं आया। बट यहाँ से रोड काफी अच्छी हो जाएगी तो हम लोग अपना टाइम जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। और पता नहीं अभी तो यहाँ से अप्रोक्स 1 hour 1 minute का रास्ता है। तो अब शिरडी पहुँच के अगर कोई व्यू मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, वरना अब शिरडी पहुँच के ही बात करते हैं। इस समय बज रहे हैं 10:15, हम लोग शिरडी पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग है मंदिर के सामने, यहाँ पे पार्किंग होगी। मंदिर में मोबाइल फोन चप्पल जूता कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम लोग सब कुछ गाड़ी में छोड़ के जाएंगे मंदिर में। यहाँ से आपको दिखाता हूँ किधर की तरफ है और उसके बाद मंदिर से दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मंदिर है साइड में, किधर बोल रहे हैं?